बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहले तो मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ आज के दिन के हवाले से कि मुबारक हो इस आज़ाद कौम को, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आज हम दिन सेलिब्रेट करते हैं वो है योम तकबीर का दिन। और योम तकबीर का दिन जो है वो 28 मई 1998 की वो याद ताज़ा करता है जब पाकिस्तान जो है वो एटॉमिक पावर होने के नाते दुनिया में पहचाना गया। अब इस दिन की खूबसूरती ये है कि पाकिस्तान 7वें नंबर पर 7वीं एटॉमिक पावर बना और मुस्लिम वर्ल्ड में पहली एटॉमिक पावर बना, तो इससे ज़्यादा फ़ख्र और इससे ज़्यादा जो है वो कामयाबी किसी भी नेशन के लिए सोचने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं अपनी तमाम कौम को इसके हवाले से मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि यौम तकबीर वो दिन है कि जिस दिन की वजह से पूरी दुनिया हमें हकारत की नज़र से नहीं देख सकती, या किसी भी तरीके से कि पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तान को कोई मैली आँख से नहीं देख सकता। हमारे दुश्मन चाहे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हों या पाकिस्तान के बाहर मौजूद हों, वो कभी भी हमें मैली आँख से नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि हमारे पास इस अजीम ताकत का दिन मौजूद है, वो है यौम तकदीर, जब अल्लाह पाक ने हम पर फजल किया और इस फजल की वजह से हमें एटॉमिक पावर बनाया। तो पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद।